हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर। टुडे वी स्टडी अबाउट द एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग। एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग में पहले भी हमने आपको एडेप्टेशन टू हैबिटेट के बारे में बताया है कि वन रीजन के एलिमेंट जो होते हैं दूसरे रीजन के एलिमेंट एनिमल से बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो उसको एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन में क्या है, न्यू एनवायरनमेंट को कैसे वो अडेप्ट कर लेते हैं, न्यू कंडीशन को अडेप्ट करना ही एडेप्टेशन कहलाता है। तो आज हम आपको बताएंगे एडेप्टेशन फॉर फूड एंड एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो एडेप्टेशन फॉर फूड में आपको क्या है, जो एनिमल्स जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को जो होती हैं लेती हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो होती हैं कंज्यूमर जो होती हैं थ्री टाइप्स में बटे होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में। तो हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल हैं जो विच ईट ग्रास इज कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो हर्बीवोर्स एनिमल्स की जो टीथ जो होती हैं, फ्रंट टीथ जो होती हैं बहुत ही शार्प होती हैं, विच हेल्प इन बीटिंग एंड कटिंग, और बैक टीथ जो होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, विच हेल्प इन द ग्राइंडिंग। देखिए एग्जाम्पल इसका, दिस एग्जाम्पल ऑफ जिराफ एंड एलिफेंट। जिराफ की जो होती है, जिराफ हैव लॉन्ग नेक जो हेल्प करती है उसको ट्री तक पहुंचने में हेल्प करती है। एलिफेंट है लॉन्ग ट्रंक जो क्या करती है, ग्रास और लीव्स को पुल करने में हेल्प करती है। अब देखिए कार्निवोर्स एनिमल क्या है, द एनिमल विच एनिमल ईट फ्लेश इज कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल। इसकी टीथ कैसी होती है, टीथ जो थी शार्प एंड पॉइंटेड होती है। ईगल और काइट, ये जो है ईगल और काइट की जो क्लॉ होती है, नाखून जो होती है बहुत ही शार्प होती है, और बीक कैसी होती है, बीक बहुत ही इसकी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग हुक होती है। अब देखो इधर ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स में क्या है, विच एनिमल इट बोथ प्लांट एंड फ्लेश इज कॉल्ड ओमनीवोर्स एनिमल्स। ओमनीवोर्स एनिमल्स की टीथ कैसी होती है, शार्प और बहुत ही स्ट्रांग होती है। ह्यूमन बींग एग्जाम्पल ऑफ द ओमनीवोर्स एनिमल। एंड स्क्वायरल, क्रो देखिए, क्रो की जो बीक होती है वो बहुत ही शार्प होती है। अब देखिए अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, तो अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन में क्या है, डायनासोरस है और बफेलोज दोनों में क्या होती है, हॉर्न्स पाई जाती हैं जो विच हेल्प फ्रॉम एनिमी, और डियर रन वेरी फास्ट, डियर जो होती बहुत तेज दौड़ती हैं, और किससे सेव होती है उससे, लायन और टाइगर से ये अपने आप को सेव कर लेती हैं। टॉर्टल्स और स्नेल की जो हार्ड बॉडी जो होती है हार्ड सेल की बनी होती है, और ये हार्ड सेल्स बने होने का जब ये डेंजर कंडीशन में रहती हैं तो ये जो हार्ड सेल के अंदर अपने आप को गो इनटू द सेल, ये सेल्स के अंदर घुस जाती हैं। अब देखिए लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट और लीफ स्टिक इंसेक्ट जो होती हैं जस्ट लुक लाइक अ लाइक लीफ एंड स्टिक, तो अपने आप को उससे सेव कर लेती हैं। तो ये आपका हो गया अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब एनिमल को प्रोटेक्शन करने, जो प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ बनाई गई है। अब देखिए इन डेंजर एनिमल, ऐसे एनिमल जो अर्थ से डिसअपीयर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उसको इन डेंजर एनिमल्स कहा गया है। वो क्यों डिसअपीयर हो रहे हैं, इसके भी कारण है कि पीपल जो होती हैं, पीपल हैव डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट, उसके स्थान को रहने की जगह को उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसको एनिमल्स को कह रहे हैं हंटिंग देम फॉर सेलिंग देयर बॉडी, उसकी बॉडी को बेचने के लिए उसको शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया है जो कंट्रोल करेगी, क्या कंट्रोल द किलिंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है, जिससे एनिमल आपका प्रोटेक्ट होता है। तो बच्चों आज हमारा आपका एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग का चैप्टर यहीं पे आज खत्म होता है, और अगले टॉपिक हम लोग का रहेगा द अर्थ एंड इट्स नेबर। तब तक के लिए थैंक यू।